أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. وشفوپتی پرتی پریم رامایند وشاردا تب دیو مہارت ست مہاگیتا چتر ودرات میں دیوشیام کلیشیام باون تو بان کا دیوا سے ناؤ چلا فی. नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थल निवासी ने बहु माया परवर्तिने स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज उलेमाए किराम, सामने बैठे हुए अजीजों बुजुर्गों इस्लामी भाइयों फर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बिल्कुल सुबह का पहर होने को है फिर भी आप पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इश्तिहार में मेरा नाम नहीं है और ये तारीख सिर्फ दो दिन पहले ही ली गई जनाब मौलाना अब्दुल रहीम असरी साहब हफिज़ाउल्लाह ताला, और ये तारीख देने के बाद अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से मैं आपके बीच पहुंचा। खैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी ही तारीफ की जाए बहुत ही कम है। मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंसानों, हम और आप ये समझते हैं कि दुनिया में हम कमाते हैं इसलिए खाते हैं, ये हम मेहनत कर रहे हैं ये जरिया है, लेकिन खिलाने वाला असल अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। वो कैसे? अल्लाह एक लंगड़े को भी खाना खिलाता है, एक काना शख्स को भी खाना खिलाता है। एक शख्स था जो जंगल में किसी दिन सैर और तफरी के लिए गया, अचानक उसकी नजर एक दरख्त के ऊपर पड़ जाती है। वो दरख्त के ऊपर देखता है एक घोंसला बना हुआ है और उस घोंसले में एक चिड़िया सांप के मुंह में दाना डाल रही है। उस घोंसले में उस सांप बैठा हुआ है और ये चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल रही है। ये आदमी देखकर बेहोश हो जाते हैं और दंग रह जाते हैं कि क्या बात है, सांप इतना खतरनाक जानवर है, जहरीला जानवर है, और ये चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल रही है, क्या बात है। परेशान हो गए, हैरत में पड़ गए। ये आदमी जमीन से कोई ढेला उठाता है और उस सांप के ऊपर मारता है, उस घोंसले की तरफ वो ढेला फेंकता है। इतने में वो सांप ऊपर से जमीन में गिर जाता है
और जब जमीन में गिरता है तो वो सांप चलना फिरना बंद कर देता है। यानी मेरे प्यारे साथियों, जब नजरें दौड़ाए गौर किया तो पता चला कि वो सांप अपनी आंखों से महरूम था, वो सांप नाबीना था, वो सांप काना था, आंखों की रोशनी चली गई, आंखों से वो महरूम, देखने से वो महरूम थे। मेरे प्यारे साथियों, फिर पता चला कि वो सांप जो बिल्कुल नाबीना है, आंखों से अंधा है, मेरे प्यारे साथियों, उसका खाना का इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन एक चिड़िया के जरिए से कर रहा है। एक चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल रही है। याद में परेशान हो गई, या अल्लाह ये चिड़िया, इनको अकल आई तो आई कहां से कि एक सांप जो जहरीला है उनके मुंह में दाना डाला जाए, उनको खुराक दिया जाए, उनको खाना दिया जाए। फिर कुरान की आयत उनको याद आती है और कुरान की आयतों पर गौर करता है, वमा मिन दाबतिन फिल अर्जी इल्ला अलल्लाही रिस्कुहा, कि जमीन में कोई जानवर ऐसा नहीं है जिनका रिस्क अल्लाह के जिम्मे में ना हो। यानी मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में कोई जानवर ऐसा नहीं है जिनका रिस्क अल्लाह के जिम्मे में ना हो। अल्लाह सबको खाना खिलाता है, एक मछली को भी खाना खिलाता है, एक मक्खी को भी खाना खिलाता है, एक जानवर को भी खाना खिलाता है, एक इंसान को भी खाना खिलाता है, एक चींटी उसकी भी इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, आए मेरे बंदो, मेहनत तुम करो, ये जरिया है, लेकिन खिलाने वाला मैं हूं, लेकिन खिलाने वाला मैं हूं। आपको पता होगा, समंदर के अंदर एक मछली मिलती है, बहुत बड़ी मछली, जिनको जानवर कह लीजिए, ब्लू व्हेल मछली। ये एक दिन में कितना टन खाना खाती है? 3 से 4 टन खाना एक दिन में ये खाती है, 3 से 4 टन। 40 केजी एक मन होता है, 100 केजी एक क्विंटल होता है, और 10 क्विंटल ये एक टन होता है। आप गौर कीजिए कि 4 टन 3 टन कितना क्विंटल खाना होगा, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन समंदर के अंदर उनका इंतजाम कर रहा है। ये खाना कहां से आ रहा है? इंसान ज्यादा से ज्यादा 1 पावा चावल खा सकता है, 1.5 पावा खा सकता है, 1/2 केजी खा सकता है, लेकिन मेरे भाइयों, इसी खाना की वजह से हम और आप दुनिया में भाई से दुश्मनी, यही खाना की वजह से हम आपस में एक दूसरे से हसद, एक दूसरे से जलन। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी देखिए कि समंदर के अंदर इतना बड़ा जानवर, विशाल जानवर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन 30 क्विंटल खाना एक दिन में खिलाता है। मेरे प्यारे साथियों, खाना खिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। हम कहीं सफर में हैं, रास्ते में निकल गए, हमारे पास पैसा नहीं है, अल्लाह को अगर खिलाना हो, हम मेहनत किए, हम असबाब ढूंढे, जरिया ढूंढे, मेहनत किए, लेकिन हमें अगर कोई असबाब ना मिला, कोई जरिया ना मिला, तो आपको मायूस नहीं होना है, कहीं से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतजाम कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, जिन लश्कर का अमीर अबू उबैदा बिन जर्रह को मुकर्रर किया। मेरे प्यारे साथियों, और वो समंदर के किनारे चले गए और जितना सामान था खाने के लिए लेकर निकल गए, रास्ते में गए, फिर उनका खाना खत्म हो गया। जब खाना खत्म हो गया तो कुछ खाना बचा हुआ था, इनके पास कुछ है, उनके पास कुछ। जब उनकी हड्डियों को खड़ा किया गया और उसके बीच से ऊंट को दौड़ाया गया तो ऊंट चला, उनकी हड्डियों से टच नहीं खाया। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए रोजी का मालिक अल्लाह ताला है, रिज़्क का मालिक अल्लाह ताला है। ये खजूर एक आदमी को नहीं मिल रही थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समंदर से बहुत बड़ी मछली को निकाल दिया और वो लश्कर 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे। एक साहब तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह ही सबको खिलाता है और जो नहीं खाता है उसको भी खिलाता है, और अगर मजीद वो बुकराती करता है तो अल्लाह उसको लात मार मार कर खिलवाता है।
एक आदमी ने सुन लिया, अच्छा अल्लाह मार खिलाकर हमें खाना खिलाएगा, देखता हूँ इस जुमले में कितना पावर है। किसी झाड़ी के पास जाकर बैठ गए। मेरे प्यारे साथियों, माँ का मन नहीं माना, माँ का दिल गवारा नहीं किया कि बेटा भूखा है। माँ घर से खाना लेकर गई और बेटे के पास फिर चली गई और बेटे से कहती है, ओ मेरा बेटा अब खा लो। एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गया, अब खाना खा लो। बेटा का वही जवाब है कि माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा ही नहीं, मैं देखूंगा कि अल्लाह कैसे मुझे खाना खिलाता है। तब मां ने एक तदबीर सोची, मां ने एक चाल चली कि मैं खाना यहां रख देती हूं, हो सकता है कि मैं यहां से चली जाऊं और ये मेरी गैर मौजूदगी में खाना खा ले। वहां पे खाना रख दिया और मां चली आई। इत्तेफाक से 3-4 डाकुओं का गुजर उस जंगल से हुआ। डाकुओं का जब गुजर जंगल से हुआ तो देखा कि खाना प्लेट में रखा हुआ है, बिरयानी है, घी है, दही है, मक्खन है।